नमस्कार, आपको ले चलते हैं किशनगंज बिहार। सबसे बड़ी खबर लेके हमारे संवाददाता मिन्हाज आलम ने दी जानकारी। बढ़ते कीमतों प्याज को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, सुनिए। सब्जी मंडी में जो ये सब्जी और ये प्याज जो बेच रहे हैं, लहसुन जो बेच रहे हैं, आज के दर पर जो है सबसे ज़्यादा महंगे पर जो है सारे रेट 35 रुपया किलो के हिसाब से पटना में और जगह दीगर जो है स्वर्ण में जो है मिट्टी हो रही है। और यहाँ हमारे जो है इस 11 से लेके 110 रुपया प्रति किलो जो है प्याज के दर जो है बिक रहे हैं और 200 रुपये लहसुन के दर। जबकि एक किसान जो है देवगढ़ में एक मजदूर ये लोग जो है खरीदने के लिए जो आती है हाट बाजार, ये मजदूर जो है 200 रुपया 250 रुपया जो है मजदूरी करते हैं। पर यहाँ प्याजों की रेट और लहसुन के रेट और सब्जियों की रेट की जो काफ़ी लोग जो है परेशान है, यहाँ जो है काफ़ी ऊँची दरों में जो है बेची जा रही है। सरकार जो है एक तरह जो दावा छूट रही है कि नहीं हम महंगाई जो कम करेंगे, महंगाई जो है महंगाई दर में जो है कमी लाएंगे, पर जो है सरकार की तरफ से देखी जा रही है कि कोई सरकार के नियमों का पालन नहीं है। एक तरफ जो है नियम बनाते हैं कि जो है सही रेटों में यानी कि जो बिक्री होनी चाहिए, पर यहाँ जो है आम जनता जो परेशान है। नमस्कार, आपको ले चलते हैं स्मार्ट टाइम न्यूज़ के सबसे बड़ी खबर पर। पूरे हिंदुस्तान में आज प्याज का रेट जो है सोने के भाव बिक रहा है, जनता को खरीदने में सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। आज हम इस पड़ताल पर हैं क्योंकि चौथा मार्केट में भी प्याज जो है 90 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा क्विंटल चल रहा है। क्या हालांकि भाजपा सरकार सत्ता में आने से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उनका एक परचम था, उनका एक कहना था कि महंगाई का दर बहुत ज़्यादा ही चल रही है। अब भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद इनका भी महंगाई दर पर होते हुए आसमान छू रही है। हालांकि आम जो नागरिक है, जो जनता है, उनको खरीदने में काफ़ी परेशानी हो रही है। मेरे पीछे प्याज का दुकान है, प्याज का रेट चल रहा है, हम पूरे मार्केट से जानकारी लेंगे और प्याज का रेट चल रहा है। क्या ऐसे में सरकार भले ही हिंदोड़ा पिट रहा हो, यहाँ की जो गरीब जनता है उनको उचित मूल्य उचित रेट पर नहीं देने के बजाय 35 रुपये गवर्नमेंट रेट के हिसाब से प्याज खरीदा जाता है। हालांकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने पर 50 रुपीज के जी होना चाहिए। आज 100 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, यानी कि पटना दिल्ली वगैरह में 150 रुपये किलो तक प्याज बिका जा रहा है। क्या ये रेट मुमकिन है? ऐसे में सरकार भले ही सत्तारूढ़ पार्टी के बीच चाहे वो सांसद हो या कोई भी, सभी लोग दावा पिट रहे हैं कि विकास का जो दर्ज है वो बढ़ा है और महंगाई का जो दर है वो बेचमार आसमान छू रहा है। क्या इससे जनता को आसान मिल रही है? यदि हम ब्याज का दर आपको ये प्याज दुकानदार है, प्याज किस रेट पे खरीद रहे हैं और किस आधार पर बेच
स्टॉक होने के बाद सरकार के पास प्याज का गोडाउन में स्टॉक होने के बाद भी हजारों क्विंटल प्याज सड़क पर फेंक दिया गया, क्या यही सरकार की विधि व्यवस्था रहेगी? ऐसे में मोदी सरकार की जो है सबसे बड़ी कार्य खुली और जनता को सच का पड़ताल पर मैं ले जाता हूँ। स्मार्ट टाइम्स न्यूज़ के किशनगंज से मैं मिन्हाज आलम, नमस्कार।